नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जो कल हमने टेलीग्राम पर आपको क्विज कराया था, उसके आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अभी दोस्तों हमने मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। दोस्तों तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक कौन था, यानी कि फिनिक्स फॉर्म। तो दोस्तों 63% लोगों ने कहा महात्मा गांधी। तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, महात्मा गांधी। मगर जो बाकी लोगों ने जो आंसर दिया है, उन लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है ये अपना आंसर ठीक कर लीजिए। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है टेलीग्राम पर कि कई बार वोटिंग ज़्यादा हो जाती है किसी ऑप्शन के ऊपर, मगर वो गलत होता है। तो इसलिए आपको अपने विवेक का इस्तेमाल भी करना है, और जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो आप उसे जो है इंटरनेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं। मेरा जो कार्य है दोस्तों, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट कर लेके आना है, जो कि आपकी परीक्षाओं में आने वाले हों। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन है, उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो कि हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो दोस्तों इसका आंसर है भगवती चरण वोरा सेकंड। फिर है दोस्तों, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी। दोस्तों इसका आंसर है तेज बहादुर सप्रू। और दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो गांधी इरविन समझौता है वो कौन से ईयर में हुआ था। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो हमारी ये जो वीडियो होती है वो थोड़ी सी इंटरेक्टिव हुआ करे, कि आप लोग भी जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ बताएं आंसर, जिससे कि मेरा भी इंटरेस्ट वीडियो बनाने के लिए बना रहे। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा, भारतीय कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों इसका आंसर है नरदेव। 43% लोगों ने कहा है, जिन्होंने भी सही आंसर दिया है सभी बधाई के पात्र हैं। फिर दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत में भारत सेवक मंडल की स्थापना की। दोस्तों इसका आंसर है 1905, और आपको याद होगा बंगाल विभाजन भी 1905 को हुआ। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आप गवर्नर जनरल का नाम बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि उस समय गवर्नर जनरल कौन से थे। जबकि गवर्नर जनरल कहना सही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 1857 के बाद जो है वो जो पोस्ट थी उसे वाइसराय कहा जाने लगा। तो वाइसराय का आप नाम बताइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। तो दोस्तों इसमें जो नहीं थी वो है पृथक निर्वाचक मंडल, यानी कि दोस्तों 48% लोगों ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। यह है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858। आपको याद होगा कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, वायसराय का पद बनाया गया, और साथ में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। अब ये बताना, इसका जो ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो कहाँ पर था, भारत में था या लंदन में था। ठीक है दोस्तों, अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये जो स्थापना हुई ये हुई 1928 में। ठीक है, 1928 में दोस्तों ये हुई। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो ये बताइएगा दोस्तों कि साइमन कमीशन के दौरान किसकी मतलब एक तरीके से मृत्यु हो गई, लाठी जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुई और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उस आपको भारतीय नेता का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। दोस्तों इसका आंसर जो है वो है सेकंड, M.A. जिन्ना। आपको याद होगा कि स्वराज दल का गठन किसने किया था, ये 1923 के लगभग की बात है जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था और फिर स्वराज दल का स्थापना हुई थी। तो किसने समर्थन किया था, तो इसका आंसर है दोस्तों M.A. जिन्ना। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए M.A. जिन्ना जो हैं वो पहले कांग्रेसी थे, उसके बाद में जो है वो मुस्लिम लीग में चले गए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई। दोस्तों जो पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी, ये आपको पता होगा, तीन जगह बनाई गई थी। ठीक है, एक जगह तो मैंने आपको बता दिया है, दो आप सर्च करना। ये है दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात है 1942। सिर्फ 23% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और ये बताइएगा, जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं मॉडर्न इंडिया के, क्या आपको अच्छे लगे, इनमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आपको लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, और एक चीज़ और, जो ये लोग
अटेंड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको और भी PDF मिलते रहेंगे GK के। और साथ में दोस्तों, अगर ये लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करें, पहले टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल करें, फिर सर्च करें स्टडी विद हैप्पीनेस विदाउट स्पेस, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहां पर सब कुछ असंगत है। ये दोस्तों कहा था 41% लोगों ने, बिल्कुल सही कहा, मैकाले। ये वही मैकाले है दोस्तों जिसने इंग्लिश के लिए रिकमेंडेशन दिया था कि जो हमारी शिक्षा का माध्यम होता है वो इंग्लिश में होना चाहिए। 1927 की बटर समिति का क्या उद्देश्य था? दोस्तों इसका आंसर है भारत सरकार व देसी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। दोस्तों अभी क्वेश्चन को मैंने इतना ज़्यादा लेवल भी नहीं उठा दिया है कि 60% लोग इसके आंसर गलत दे रहे हैं। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आप अगर ऐसे क्वेश्चन, जिन भी लोगों ने अभी ये गलत मार्क किए हैं उन लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ज़रूर इसे जो है अच्छे से याद कर लें। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो हैं इन्होंने भाग नहीं लिया था। और आपको पता होगा कि भीमराव अम्बेडकर साहब ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? दोस्तों यहाँ पर 45% लोगों ने बिल्कुल सही कहा है, झाबुआ। ठीक है, झाबुआ में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों एक पार्क है जो कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में बनाया गया है, उसका पुराना नाम क्या था? ठीक है, वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर है दोस्तों 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह आरंभ किया? ये था दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। 82% लोगों ने बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर, और इन्हें सरदार की उपाधि भी जो है वहीं दी गई थी। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान। अब हाँ, ये आखिरी है, इसमें आपको आंसर जरूर देना है। दोस्तों आपको याद होगा पहले हम लाइव क्विज चलाते थे, ठीक है, YouTube पर ही, और इसमें लाइव क्वेश्चन आते थे, आप लोगों को आंसर करने हुआ करते थे। ये पहले मैं 8 बजे चलाता था। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से ये क्विज़ चालू की जाए? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वाई लिख देना, देखते हैं कितने लोगों का समर्थन मिलेगा। यहाँ पर भी लगभग 76% लोगों ने कहा है कि हम चाहते हैं। तो दोस्तों क्योंकि इसके लिए पूरा सेटअप तैयार करना पड़ता है और इंटरनेट की अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि फ्लक्चुएशन ना हो, क्योंकि लाइव में दोस्तों यही होता है कि बार बार फ्लक्चुएट होता है। इसलिए जो है आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो इसके हम लाइव भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्विज़ आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो और भी मिलते रहें। जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।